हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ मेरा एमटी प्रोडक्ट्स के जो वीडियो है वो मैं शेयर करूंगी। इसमें कौन सा प्रोडक्ट्स मुझे अच्छा लगा है जो कि मैं फिर से रिपर्चेस करना चाहती हूँ, और कौन सा प्रोडक्ट जो है जो मैं रिपर्चेस नहीं करना चाहती हूँ वो मैं आज आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। सो उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है ये है वाओ का एलोवेरा जेल। आप देख सकते हो ये मैंने लिया था काफी टाइम पहले, तो इसको मैं रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बट अभी मेरे पास दूसरा एक एलोवेरा जेल है तो वो अभी मैं यूज कर रही हूँ फिलहाल, तो इसका मुझे अभी जरूरत नहीं है। बाद में इन फ्यूचर मैं कभी ये ले सकती हूँ फिर से। उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट है ये है बायोटिक का हनी क्रीम रिजुविनेटिंग बॉडी वॉश। अब देख सकते हो मैं बायोटिक का ही बॉडी वॉश यूज करती हूँ लॉन्ग टाइम से। मैं मोस्टली टाइम जो दूसरा वाला है उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ एप्पल इस टाइप का कुछ नाम है उसका, तो मैं वही यूज करती थी। बीच में मैंने ये यूज करके देखा है, तो अभी मुझे फिलहाल ये फिर से रिपर्चेस नहीं करना है क्योंकि मेरे पास अभी दूसरा वाला जो बॉडी वॉश है वो अवेलेबल है, तो बाद में ये कभी मैं रिपर्चेस कर सकती हूँ, बट फिलहाल अभी रिपर्चेस नहीं करने वाली। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है प्लम टी, प्लम का ग्रीन टी नाइट जेल। आप देख सकते हैं कम्प्लीटली मैंने खत्म किया है, बहुत मतलब थोड़ा सा भी मैंने नहीं छोड़ा है क्योंकि पूरे बहुत ही अच्छा जेल है। इसके ऊपर मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाना चाहती थी, अभी तक नहीं बनाया, मे बी मैं आगे बना सकती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम जो है मैंने इसको परचेस किया था, तो ये डेफिनेटली रिपर्चेस करना बनता ही है। एंड ऑलरेडी मैंने पहले से रिपर्चेस करके रख दिया था, जब पर्पल में ऑफर चल रहा था उस टाइम मैंने इसके लिए एक बैकअप लेके रख दिया था। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन, तो शेड है ये 230 नेचुरल बफ शेड है। ये मेरा खत्म हो गया एंड मैंने ऑलरेडी इसका जो सेकेंड वाला है वो मैंने रिपर्चेस कर लिया है, तो ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। ये मुझे हमेशा मेरे पास एक चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। मेरे पास चाहे जितने भी हाई एंड फाउंडेशन हो बट ये फाउंडेशन मुझे ऑलवेज चाहिए, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी इसका रिपर्चेस जो है मैंने कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये है निविया का ओरिजिनल केयर लिप बम। आप देख सकते हो इसको मैंने पूरी तरीके से जो है खत्म कर दिया है, बट अभी फिलहाल मुझे इसको रिपर्चेस नहीं करना है। ये बहुत ही अच्छा लिप बम है, बट इस बार मैं कुछ अलग लिप बम ट्राई कर रही हूँ, तो इसलिए मैं ये रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है हुडा ब्यूटी का लिक्विड मैट लिपस्टिक है। इसका जो शेड नेम है ये है हार्ट ब्रेकर शेड, बहुत पॉपुलर शेड है, बट इसका जो है ऑलरेडी मेरे पास बैकअप एक पड़ा है, तो अभी रिपर्चेस नहीं करना है क्योंकि मैं ऑलरेडी रिपर्चेस इसका करके रह चुकी हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है, रेड लिपस्टिक में से ये भी एक मेरा फेवरेट लिपस्टिक है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है मामाअर्थ का टी ट्री फेस वॉश। ये बहुत ही अच्छा है, इस बार मैंने मामाअर्थ का 2-3 प्रोडक्ट ट्राई किया है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी। तो फिलहाल ये बहुत ही अच्छा है एक्ने पर स्किन के लिए, बट फिलहाल मैं इसको रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं विंटर में फेस वॉश यूज नहीं करती हूँ, विंटर में मैं क्लींजिंग लोशन यूज करती हूँ अपना फेस को क्लीन करने के लिए, तो इसलिए मैं रिपर्चेस नहीं करूंगी। बट हाँ, नेक्स्ट समर में मैं इसको फिर से जरूर रिपर्चेस करूंगी क्योंकि ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा फेस वॉश है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है न्यूट्रोजिना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। तो ये मैं बहुत पहले मैंने परचेस किया था, काफी टाइम तक ये इसको मैंने यूज किया है, बट इसको मैं और रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ कभी भी क्योंकि मुझे इससे बेटर जो मॉइस्चराइजर है वो मिल गया है, वो है प्लम का मॉइस्चराइजर, जो आप लोगों को पता है जो मेरे चैनल फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा, मैं अभी वही यूज करती हूँ, तो फिलहाल इसको मैं कभी भी और रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है न्यूट्रोजिना का अल्ट्रा शेयर ब्राइट टच सनब्लॉक क्रीम SPF 50+। ये मैं रिपर्चेस जरूर करने वाली हूँ क्योंकि विंटर में मैं यही सनस्क्रीन यूज करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। समर में उतना यूज नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा बहुत चिपचिपट हो जाता है फेस में, बट विंटर के लिए बहुत ही सही है, तो इसको मैं रिपर्चेस करने वाली हूँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है प्लम का ग्रीन टी पोर क्लींजिंग फेस वॉश। तो इसको मैं दोबारा रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे इससे बेटर फेस वॉश मिल गया है जो मामाअर्थ का टी ट्री फेस वॉश है, तो इसको मैं फिर से रिपर्चेस कभी भी नहीं करने वाली हूँ।
नेक्स्ट है सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लींजर, तो ये भी मैं रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ। मैंने सुना था कि सेटाफिल का जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है, बट ये ऐसा नहीं कि मेरे स्किन में कोई भी हार्म पहुंचा है, कुछ भी नहीं है, कोई ब्रेकआउट्स है ऐसा नहीं है, बट अलग से मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगा है ये यूज करके, तो इसलिए मैं ये फिर से कभी भी रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट है ये एलेगर का स्लिम शैगी आईब्रो पेंसिल, तो ये भी मैं रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसका भी एक साइड में स्पूली है, अच्छी बात है, बट इसका जो दूसरे साइड में जो है ये एकदम पतला सा बहुत ही स्लिम पेंसिल टाइप का है, तो अभी मैं फिलहाल बहुत टाइम से जो ट्रायंगल शेप का जो आईब्रो पेंसिल होता है उसमें ही मैं कंफर्टेबल हूँ आईब्रो फिल करने में। इस टाइप का जो स्लिम पेंसिल जो होता है ये मुझे अभी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इसको रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है कलर पॉप का लिक्विड मैट लिपस्टिक है, इसका जो शेड नेम है ये है क्रीपर शेड, तो इसका बैकअप मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने पहले ही रिपर्चेस करके रख दिया है क्योंकि मुझे कलर पॉप की जो लिक्विड मैट लिपस्टिक है मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है नायका का टी ट्री एसेंशियल ऑयल, तो इसको मैं जरूर रिपर्चेस करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, स्पेशली मुझे अच्छा लगता है नहाते टाइम अगर आप अपने पानी में कुछ ड्रॉप्स उसको ऐड कर दो तो बहुत ही सही रहता है, क्योंकि टी ट्री जो है बहुत अच्छा है, ये एंटी बैक्टीरियल जो फॉर्मूला है इसके अंदर है, तो बहुत ही अच्छा होता है आपके स्किन के लिए, तो इसलिए मैं ये जरूर रिपर्चेस करना चाहूंगी। सो लास्ट जो प्रोडक्ट है ये है डुओ का ये आईलैश ग्लू है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से कम्प्लीटली यूज किया है, बट इसको मैं फिर से कभी भी रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इस बार मैंने इसका जो रेड कलर का है वो मैंने लेके देखा है, वो इससे काफी ज्यादा बेटर है, तो इसलिए मैं आगे से वही यूज करूंगी, इसको मैं कभी भी रिपर्चेस नहीं करूंगी। तो ये था मेरा एमटी प्रोडक्ट्स हॉल वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।